एक हरे भरे वन में एक नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया गजराज नामक हाथी था। और वर्षों से वो समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु एक समय जंगल अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई, जिसके कारण अन्य जानवरों के साथ साथ हाथियों का वो समूह भी भूख प्यास से तड़पने लगे। इसी विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया गजराज के पास गए और बोले, हे गजराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो निश्चित ही हमारी मौत हो जाएगी। यहाँ भूखे प्यासे रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कृपा कर किसी अन्य स्थान की खोज करें जहाँ नदी, तालाब और हरियाली हो। फिर गजराज हाथियों की बात सुनकर गंभीर चिंता में पड़ गया और कुछ देर विचार करने के बाद वो बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है, इसलिए हमें वहीं चलना चाहिए। कल प्रातःकाल ही हम सब उस तालाब की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर अपने मुखिया की बात मानकर अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े तथा अंत में 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहाँ पहुँच गए। जल से पूर्ण तालाब को देखकर वे हाथी बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहाँ क्रीड़ा करते रहे। फिर संध्या होने पर वे बाहर निकले और वन में चले गए, लेकिन उसी तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती भी थी, जिसमें उनके असंख्य बिल थे और हाथी इससे बिल्कुल अनजान थे। अतः वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए और खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए। उनमें से कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। फिर हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। तब उन्हीं में से एक खरगोश बोला कि यह एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि इन हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा, इसलिए ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ रहना प्राणघातक होगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा और हमारा वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए शीघ्र ही जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए। और अभी की परिस्थिति ये कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन सभी खरगोश अपनी भूमि को छोड़कर अन्यत्र जाने के विचार से अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। तब उन्हीं में से बादल नामक खरगोश आगे आया और बोला कि हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं, हम अपनी भूमि क्यों छोड़े, इस भूमि पर हमारा अधिकार है, इसलिए हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। किंतु उनसे कौन बात करेगा, कौन उन्हें समझाएगा, सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा। तब बादल नामक खरगोश ने कहा, मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा। मेरे पास एक योजना है जिसमें मैं उनसे कहूंगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों का यहाँ आने से मना किया है। फिर अगले ही दिन बादल नामक खरगोश हाथियों के मुखिया गजराज से मिलने के लिए तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का समूह वहां से गुजरा तो वह हाथियों के मुखिया गजराज से बोला, हे गजराज, क्या आपको मालूम नहीं कि यह तालाब चांद में रहने वाले खरगोश का है, इसलिए आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर गजराज ने जब बादल खरगोश से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेश वाहक हूँ और उसका संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का वास है, इसलिए आप लोग इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। फिर गजराज ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि यह तालाब चंद्रदेव का है, जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं ये बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। उसके बाद बादल खरगोश ने कहा, चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो, कहकर गजराज को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। तब बादल ने गजराज को वो छाया दिखाते हुए बोला, गजराज, देखो तालाब में चांद महाराज बैठे हैं, अब तो मेरी बात मान लो। तब चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर गजराज ने उसे प्रणाम किया और वहाँ से लौट गया। फिर उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया। इसलिए कहते हैं, बुद्धि बल से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।